नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। एक कहावत जरूर आपने सुनी होगी कि खुला खेल फरूखाबादी। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे समझ आएगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में झारखंड और बंगाल दो इस देश के ऐसे राज्य हैं जहां धड़ल्ले से घुसपैठ हो रही है। जो घुसपैठ को रोकने के लिए जिन लोगों को बॉर्डर्स पर लगाया गया है उन लोगों पर सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि पैसे लेकर घुसपैठियों को देश के भीतर घुसाया जाता है। दो दो हजार रुपए में, चार चार हजार रुपए में उनके आधार कार्ड, उनके बैंक खाते खुलवा दिए जाते हैं, उनके पहचान पत्र बनवा दिए जाते हैं और तो और उन्हें वोट डालने का अधिकार भी दे दिया जाता है। धड़ल्ले से काम चल रहा है, खुलेआम ये आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ छापे जा रहे हैं। अभी इसका खुलासा हुआ जब बंगाल और झारखंड की 17 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की और उस छापेमारी में प्रिंटिंग प्रेस मिली जहां आधार कार्ड छप रहे थे, हथियार बरामद हुए और तमाम तरीके की चीजें बरामद हुई जिससे कि घुसपैठियों को हिंदुस्तान का नागरिक बनाया जा सके। इसी खबर पर झारखंड से सीधे मेरे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, क्या दो दो चार चार हजार रुपए में इस तरीके से हिंदुस्तान की नागरिकता बेची जा रही है, कुछ और कहानी है? नहीं, सबसे पहले समझना होगा कि पूरी कहानी है क्या जी। इसी साल 4 जून को रांची पुलिस ने पहले छापेमारी करके 3 महिलाओं को पकड़ा था। उसमें सबरीन अख्तर, एक और कोई मोहतरमा थी वो, और एक हिंदू महिला थी। ये तीनों को जब पकड़ा गया तो तीनों ने बताया कि बांग्लादेश से उन्हें लाया गया था जिस्म फरोशी के लिए। वो बड़े बड़े ग्राहकों के पास उन्हें भेजा जाता था और बड़ा अच्छे होटलों में ये ठहरती थी। जैसे जहां पे आज छापेमारी हुई है उसका नाम है होटल स्काईलाइन, रिजॉर्ट बाली। इन सब होटलों में नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, बहुत पैसे वाले, पहुंच वाले लोग ही जाते हैं। उन तीनों को पकड़ा, उसके बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 10-10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी और अदालत ने यह कहा कि जब भी टीम सहयोग करना चाहे तो आपको आना पड़ेगा। अदालत ने छोड़ दिया, तीनों भाग गई। अब वो 4 जून की एफआईआर के मामले में जब ईडी बरियातू थाने पहुंची और वहां के थाना प्रभारी मनोज कुमार से पूछती है कि वो तीनों महिलाएं कहां हैं, बोलती कौन महिला, बोला अरे उन्हें जिन्हें अदालत ने छोड़ा है कि वो सहयोग करेगी जांच में। बोला पता नहीं सर वो कहां है। बोला कि पता करो, तो पता किया कि उनका जो आधार कार्ड था वो नकली था और उनके नाम जो थे वो सब नकली थे। पता नहीं चला वो तीनों वापस बांग्लादेश भाग गई या फिर हो सकता है हिंदुस्तान के किसी दूसरे कोने में चली गई होंगी, कहां गई है किसी को नहीं पता। अब उसी सिलसिले में उसी एफआईआर बरियातू थाने में 188/24 इस एफआईआर का नाम है, उस सिलसिले में जब छापेमारी की गई तो झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है ये आप समझिए। जो बरामद हुआ है वो तो न्यूज में आ जाएगा कि हथियार बरामद हुए हैं, आधार कार्ड छापने की मशीन बरामद हुई है, पैसे बरामद हुए, वो सब आ जाएगा। लेकिन यह खबर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि झारखंड सरकार ने तो झारखंड हाईकोर्ट के अंदर जाके कहा है कि हमारे राज्य में तो एक भी बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, ये बीजेपी का घड़ा हुआ जो है नारा है बस। हाँ, नारा है नहीं, हाईकोर्ट में लिखित रूप से हेमंत सोरेन की सरकार ने लिख कर दिया है कि हमारे राज्य में एक भी अवैध घुसपैठिए नहीं है। इतना बड़ा फ्रॉड, और ये तीनों बांग्लादेशी नागरिक है। इन्होंने कहा भी है, एक्सेप्ट भी किया है, चिटगांव एक जगह है बांग्लादेश में जहां ये बता रही है कि वहां की हम रहने वाली है। और इन्होंने पूरी कहानी जी। हाँ, एक कोई मनीषा राय नाम की महिला थी जिनके कहने पर ये जंगलों से होकर और बॉर्डर क्रॉस करके झारखंड आई थी और वहां से इन्हें झारखंड में एक बार आने के बाद इन्हें लाया गया रांची और इन्हें अच्छी तरह ग्रूम करके बहुत अच्छे सलून वगैरह में ले जाके इनका एकदम बाल वाल स्ट्रेट कराया गया, एक अच्छा फिगर वगैरह सब कपड़े उपड़े पहनाया गया और हाई प्रोफाइल ग्राहकों के सामने पेश किया गया। अब ईडी को यह है कि अगर ये महिलाएं पकड़ी जाती तो एक पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होता कि कौन कौन से लोग उसमें शामिल है जो कि बांग्लादेश से लोगों को कैसे रूट किया है, कैसे लाते हैं, किनको रिश्वत दी जाती है, ये सब कुछ पता चलता। लेकिन पुलिस ने भगा दिया।
अब ये समझे ये कहानी है। और दूसरा हिस्सा ये है कि इन महिलाओं के ग्राहक कौन थे। रांची में होटल स्काईलाइन, बाली रिसोर्ट में बड़े बड़े नौकरशाह और नेता जाते हैं, उन महिलाओं ने नाम भी बताए थे कुछ, वो नाम बाहर नहीं आए। कैसे आएंगे, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम थोड़ी ना बाहर आते, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा कि जो इनके ग्राहक बनकर जाते थे इन बांग्लादेशी महिलाओं के। और वो मनीषा राय जो महिला है उसके बारे में मैं आज भी बोलता हूं झारखंड के पत्रकारों को कि पता कर लें कि वो कौन है और किसके निकट है वो। सब समझ में आ जाएगा कि झारखंड में कितना गंदा खेल चल रहा है, हथियारों का खेल। बांग्लादेश के रास्ते हथियार आ रहे हैं, बांग्लादेश के रास्ते फेक करेंसी आ रही है जो कि पकड़ी गई, बांग्लादेश के रास्ते डॉक्यूमेंट्स तो यूं बन जाते हैं। अभी आपको चाहिए अभिषेक पुंडीर, मैं आधे घंटे में यहां का आधार कार्ड बनवा के आपको भेज सकता हूं, झारखंड के नागरिक के। इस तरह का खेल चल रहा है। ओरिजिनल होगा वो आधार कार्ड? अरे ओरिजिनल है कि नहीं, आधार कार्ड है ना। अच्छा आधार कार्ड है बस। वो तो प्रिंटिंग मशीन मिल गई ना, वो तो यहीं से डायरेक्ट प्रिंट कर देते थे। ओरिजिनल ही होगा, लेकिन क्या होगा ना कि नाम वही, मान लिया कि आपका कोई नंबर होगा आधार नंबर, उसमें अभिषेक पुंडीर भी लिखा होगा, बस चेहरा उस आदमी का होगा जिसके लिए बनाया गया है, पंकज प्रसून का चेहरा चिपका दिया जाएगा, तो नाम अभिषेक पुंडीर, चेहरा मिलाएगा और आधार नंबर है ही। और फिर उनके बाल बच्चे बना दिए जाएंगे, क्रिएट कर दिए जाएंगे, वो सारे बांग्लादेशी रहेंगे। और यही धंधा चल रहा है यहां झारखंड में। ये भारत में अवैध घुसपैठ में पहला एक पुख्ता सबूत मिला था कि जिसमें महिला एक्सेप्ट कर रही थी कि कहां से आई है, कौन लाया, किस रास्ते आई, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी, लेकिन झारखंड सरकार की बेवकूफी की वजह से वो गायब हो गई महिला तीनों। नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से भी जो जमानत दी गई पंकज जी, उसे भी तो हिरासत में देना चाहिए था ना। नहीं नहीं, कोर्ट ने अब जमानत दे दिया और उन्हें उन्होंने बता दिया, ये तो साफ साफ। देखिए मैं न्यायपालिका के बारे में क्या बोलूं यहाँ। नहीं सुनिए, अगर दूसरे देश की नागरिक है वो कबूल रही है तो आप उसे या तो डिपोर्ट करेंगे, डिपोर्ट कौन करेगा, पुलिस डिपोर्ट करेगी, प्रशासन डिपोर्ट करेगा, उसे तब तक अपनी कस्टडी में रखेंगे ना। नहीं, ऐसे खुला तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, 10,000 रुपए में जमानत मिल जाती है यहाँ। ठीक है, वो अदालत का काम था, अदालत को लगा के 10,000 के मुचलके पर इन्हें छोड़ देना चाहिए, जमानत दे देनी चाहिए, बरी थोड़ा ही कर दिया था अदालत ने उन्हें। नहीं बरी नहीं किया था, लेकिन भाग गई ना, फिर जमानत दे दिया तो। आज वो पकड़ में होती तो सारे लोगों के नाम बताती ना कि कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए अब मैं इस देश की न्यायपालिका पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इसी झारखंड में बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी जमानत लेकर बाहर हैं। ये तमाम जो घपले घोटाले हुए जिन्हें ईडी ने पकड़ा और जेल में रखा, और जमानत उन्हें बहुत आसानी से मिल जाती। लालू यादव को पता है लाल के हेल्थ ग्राउंड पे जमानत है, कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, तबीयत खत खराब है, बेचारे उठ नहीं पा रहे थे, स्ट्रेचर पे थे, और जमानत मिल गया। कल ही सभा कर रहे थे कोडरमा में, सुभाष यादव के पक्ष में, या फिर जनता अंतांधी है। वो आदमी या तो स्ट्रेचर पे है या कोडरमा में जनसभा कर रहा है। मजाक है, मजाक न्याय का। बैडमिंटन खेल रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, आके कल मंच से भाषण दे रहा है कि मुझे लगता है कि सुभाष यादव जीत जाएंगे। इससे पहले भी जो छापेमारी की गई थी झारखंड में, उसमें भी मोटा कैश और गोल्ड बरामद हुआ था। बिल्कुल, अभी लगातार पिछले 28 दिनों में ये छठी छापेमारी है, और इससे पहले जो छापेमारी हुई थी वो हेमंत सोरेन के आप सचिव थे, और वो आदमी जूनियर इंजीनियर, साधारण जूनियर इंजीनियर था। पता है कितने की रकम बरामद हुई है, मतलब टोटल 150 करोड़। किसके यहां? उनके ही कुर्सी से पीछे, सुनील श्रीवास्तव नाम है उनका, आप सचिव थे हेमंत सोरेन के। अच्छा अभिषेक, एक चीज आप मानिए कि अगर मान लिया कि आपके आसपास रहने वाले लोग, कोई अचानक जो 1,000, 10,000, 20,000 में काम कर रहा, उसके पास अचानक 150, 200 करोड़, 500 करोड़ आ जाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या उसका हाव भाव, चाल ढाल, कंडक्ट, सब कुछ तो बदलेगा ना। हेमंत सोरेन इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको उनके आसपास के सारे लोग जेल में हैं, लेकिन उनको आज तक कुछ पता ही नहीं चला कि हो गया। आप सचिव देखिए, आप सचिव देख लीजिए, उनका मीडिया सलाहकार पिंटू को देख लीजिए, उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को देख लीजिए,
उनके लिए दलाली करने वाला प्रेम प्रकाश को देख लीजिए, आप नाम गिनाते जाइए, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जेल में है, आलमगीर आलम वरिष्ठ मंत्री वो जेल में है, 33 करोड़ कैश उनके नौकर के नौकर से यहां बरामद हुआ, हेमंत सोरेन को कुछ नहीं पता। और अंत में बेशर्मी से कहते हैं कि आदिवासी अगर हेलीकॉप्टर में घूम भी लिया और उनकी पत्नी अगर 2 लाख का पर्स भी खरीदी तो बाकी लोगों के पेट में दर्द होने लगा, आदिवासी नहीं कर सकता है। अरे यार चोरी थोड़ी ना करेगा कोई आदिवासी है तो, ये ढाल बना के रखा है आदिवासियत को। ठीक है, आदिवासी यहाँ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बड़े बड़े नेताओं के नाम भी उन्होंने लिए, नौकरशाहों के नाम भी लिए, हो सकता है कहीं ठिकाने ना लगा दी गई हो, क्योंकि भविष्य में पकड़ी जाएंगी तो नाम भी लेंगी। हो सकता है, और नहीं ये बिल्कुल हो सकता है, इसी झारखंड में हुआ है, एक झा जी थे क्या नाम था उनका, शशि भूषण झा या करके, वो पीए हुआ करते थे ये शिबू सोरेन के, आज तक वो कहां गए हुए किसी को नहीं पता, ना लाश मिला ना उनका पता मिला ना ठिकाना मिला, अचानक मतलब शशिनाथ झा, शशिनाथ झा नाम था उनका, पुराना है झारखंड की राजनीति में, नहीं मरवा दिया होगा जंगल में कटवा के फेंक दिया, चलिए उसे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी सलामती है या नहीं, जिंदा है नहीं है, मतलब कि यही बात है, कहां जिंदा है, देश में है विदेश में है कहां है कुछ नहीं पता किसी को। प्रशासन पर ढेर सारे सवाल खड़े हुए इस रेड के बाद, और जब वो उनको पकड़ना था उनसे पूछताछ करनी थी, किसने आपके आधार कार्ड बनाए, किसने क्या कुछ किया, कौन लेकर आया, कौन पूरे रैकेट से पूरे धंधे से जुड़ा हुआ था, जब सबके पर्दाफाश करने की बारी आई तो पता चला कि वो है ही नहीं। झारखंड की राजनीति में फिलहाल चुनाव चल रहा है, 23 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले इस तरीके की जो गर्मा गर्मी है झारखंड में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े संकेत दे रही है। पंकज जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, धन्यवाद।